Hello guys, this is Natty from Actors and Voice Actor Group. Welcome to the show. Dubbing क्षेत्र भी एक ऐसा ही फील्ड है कि हमारे अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स छुपे हैं. हमारे वोकल कॉर्ड्स में इतने वॉइसेस रहते हैं कि कभी कभी हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम जिस तरीके से बात करते हैं, अगर हम चिल्ला के बात करते हैं तो हमारा पिच थोड़ा हाई होता है, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हमारा पिच मीडियम होता है, अगर हम धीरे से बात करते हैं तो हमारा पिच थोड़ा लो होता है. इसी तरीके से अगर हम एक बुक और पेंसिल लेकर अपने आवाज को पहचानेंगे, इमिटेट करेंगे, अपने आप को अलग अलग अंदाज में रिकॉर्ड करेंगे, अपने आवाज को सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे, तो एक एडवांटेज हमारे आवाज में आ जाता है. अगर डबिंग क्षेत्र में अगर आप किसी को इमिटेट कर रहे हो तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो आवाज आर्टिफिशियल लगे, मैच नहीं हो, एनिमेटेड लगे. लाइव डबिंग की बात कर रहा हूं. लेकिन अगर हम उसी टोन को प्रैक्टिस करें ऑन अ डेली बेसिस तो हमारे पास एक टोन आ जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉग्नाइज आवर ओन वॉइस बाय लिसनिंग टू आवर ओन रिकॉर्डिंग्स. हम लोगों ने सिंपल मोबाइल से उस आवाज को रिकॉर्ड किया और फिर हम उस आवाज को पॉलिश करने की कोशिश करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई फिल्म का गाना गाते हो तो अगर आप उस फिल्म के गाने को अच्छी तरह आपको गाना आता है और अगर आप वो गाना 5 times गा चुके हो, अगर आप 10वीं बार अगर आप वो गाना गाओगे तो और भी अच्छा लगेगा. और अगर आप वो गाना गाते रहोगे तो एक दिन वो गाना ऐसा हो जाएगा कि आपको कंप्लीटली पता लग जाएगा कि हाँ, अब ये गाना मैं अच्छा गा रहा हूं. उसी तरीके से डबिंग प्रैक्टिस भी एक ऐसा एडवांटेज का फील्ड है जहां पे अगर आप कुछ चीज जोर जोर से पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा आपके डिक्शन, आपके एक्सेंट, आपके प्रोनंसिएशन में कहां डिफरेंशिएट हो रहा है. बहुत से लोग जो लोग डबिंग इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखते वो लोग इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग वॉइस वर्ल्ड से ताल्लुकात रखते हैं वो इस वीडियो को जरूर समझेंगे और अपने अंदर के कला को, अपने आवाज को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. और अगर आप रिजेक्ट भी होते हैं तो नर्वस मत होइए, बिकॉज रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्शन. नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. हमेशा ध्यान रखिए कि अगर डबिंग फील्ड में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, अपने आप को पेश करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा. रिपीट करते रहिए इस प्रैक्टिस को, साबित करते रहिए अपने आप को. 10 times रिजेक्ट होना, आपको पता लगेगा कि 11वीं बार अगर मैं रिजेक्ट होता हूं तो किसी और कारण से, 12वीं बार अगर मैं रिजेक्ट होता हूं तो किसी और कारण से, तो मैं क्यों रिजेक्ट हो रहा हूं, मुझे क्यों काम नहीं मिल रहे, मेरी आवाज अच्छी है, मेरे में टैलेंट है, लेकिन मैं उस आवाज को, उस टैलेंट को, उस कॉर्ड्स को समय नहीं दे पा रहा हूं. हम उसी चीज को समय देते हैं जिस चीज से हमारा फायदा होता है. और अगर आप एक कलाकार हो, अगर आप एक वॉइस एक्टर हो, तो आपको अपने आवाज को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए. Thank you so much for your precious time. May God bless you and Jai Hind.